हरिओम, मेरा नाम पूजा वीरा कुलकर्णी मिश्रा, हड़पसर उपासना केंद्र। 2002 से हम बापू के सानिध्य में हैं। आज तक बापू के अनगिनत अनुभव आए हैं जिनको गिनना असंभव है। उसी में का एक छोटा सा अनुभव मैं आज बताऊंगी। 2022 नवंबर में मेरे फैमिली और मेरे इन-लॉज ने प्लान किया था काशी यात्रा, जिसमें विंध्याचल, अयोध्या ये सब हम करने वाले थे। तो सब बुकिंग वगैरह, सब फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो गई। उसके बाद में हम बनारस पहुँचे। ये हमको पहले से नहीं पता था, लेकिन नवंबर 2022 में ही जिस टाइम हमने प्लान किया था, तमिल, भारतीय तमिल संगमम करके उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था फॉर साउथ पीपल। तो जितना रश हमेशा रहता है, उससे 4-5 गुना ज़्यादा रश उस टाइम पे था। तो जहाँ पे मेरे इन-लॉज ने पहले बुकिंग करवाई थी लॉज की, वो सब ऑन द स्पॉट उन लोगों ने कैंसिल करवा दिए। तो कहीं पे भी ऐसे जगह नहीं थी रुकने के लिए, समझ में नहीं आ रहा था। रात के 11:30 बज रहे थे और मेरे मम्मी पापा भी 60 प्लस है, तो उनको रेस्ट चाहिए था। और पार्किंग भी उन्होंने बहुत दूर उस टाइम करवाए थे, तो उधर से लगभग 5 से 6 किलोमीटर हमको चल के जाना पड़ा था। सब लगेज वगैरह भी ज़्यादा था, तो उस टाइम समझ में नहीं आ रहा था। 11:30 लगभग 12 बजने तक हम वहीं पे थे, जो चेक पोस्ट रहता है मिलिट्री का, उधर हम रुके थे। तो तभी मैंने बापू को बोला, बापू क्या इतना सब दूर से आए हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए और ऐसे सब हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब भागा दौड़ी भी कर ही रहे थे, कहाँ रूम मिलेगा, कैसे, मेरे इन लॉज, मेरे हस्बैंड। तो जब मैंने बापू को बोला, उस तब तक मैंने बापू को कुछ नहीं बोला था, ऐसे ही रुके थे कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन जब दिल से बापू को एक ही बार आवाज़ दी, तब डैड सुन लेता है। तो विद इन 20 सेकेंड्स मेरे हस्बैंड को सामने से कॉल आया कि ऐसे ऐसे लॉज का नाम वगैरह उन्होंने बोला, एड्रेस दिया, और आ जाइए इधर है। तो उस टाइम उतना हमने नहीं सोचा कि कैसे आ सकता है सामने से कॉल वगैरह, ये सब नहीं था उस टाइम, वो थिंकिंग करने का माइंड नहीं था। तो हमने कैसे भी करके उधर जाके, हम जो उन्होंने एड्रेस दिया था उधर पहुंच गए, सब लगेज उधर ही मंगवाया। और उधर जाने के बाद जब रिसेप्शन में हमने इंक्वायरी की, तो उन्होंने सामने से बोला कि नहीं, इधर से तो कोई कॉल नहीं आया है, लेकिन आप सब इतने मतलब परेशानी में हो, तो हम एक फेवर कर सकते हैं कि हमारा जो स्टाफ का कमरा रहता है वो खाली करवा के देंगे, अगर आप चाहे तो वहाँ रह सकते हो। तो हमने बोला ठीक है, क्योंकि उस टाइम कुछ अवेलेबल नहीं था। तो उन्होंने एक 15-20 मिनट में हमको पूरा वो सब क्लीन करके उन्होंने वो रूम हमें हैंडओवर कर दिया। तो वो पूरी रात हमने वहाँ पे बिताई। उसके बाद में सुबह उठ के गंगा दर्शन, फिर उसके बाद में भोलेनाथ जी का दर्शन, ये सब करके हम चेकआउट के लिए फिर वापस होटल आए। तो उधर से निकलते वक्त जब हम चेकआउट के लिए रिसेप्शन में गए, तब हमने उनको सब बातें क्लियर की कि हमको इधर से कॉल आया था, कॉल लिस्ट दिखाई कि आपके ही फ़ोन से हमको कॉल आया है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये नंबर तो मेरा है, लेकिन मैंने कॉल नहीं किया था। और उन्होंने उनके पार्टनर को भी पूछा कि क्या आपने किया था, तो उन्होंने भी बोला कि नहीं हमने, क्योंकि हमारे पास नंबर कहाँ से होगा आपका। तो उस टाइम हमने बोला कि किसी के पास नहीं था, लेकिन वो डैड ने जो करना था बापू ने सब अच्छे से किया था। और जब निकलते वक्त हमने वो नाम देखा, तो लॉज का नाम था प्रभु निवास। तो उन्होंने मतलब बापू ने सब अच्छे से किया था, सिर्फ उनको बोलने का देर होता है, बापू ठीक से सब कर ही देते हैं। वो बोलते हैं ना, एक विश्वास असा वपुरता करता हरता गुरु, ऐसा अंबद ने डैड लव यू।